चार महीने पहले पति से झूठ बोलकर पाकिस्तान पहुंची राजस्थान की अंजू 29 नवंबर को वापस भारत लौट आई। उसने शादीशुदा होने के बावजूद वहां प्रेमी नसरुल्ला से निकाह कर लिया और अपना नाम भी बदलकर फातिमा कर लिया। जब वह वाघा बॉर्डर लौटी तो सुरक्षा एजेंसियों ने उससे लंबी पूछताछ की। इसके बाद वो कहां गई किसी को पता नहीं। अंजू की लास्ट लोकेशन 30 नवंबर को दिल्ली थी, लेकिन 7 दिन बाद पता चला है कि अंजू अलवर के भिवाड़ी में है। यहां बुधवार को पुलिस ने अंजू से पूछताछ की, उसके बयान दर्ज किए गए। दरअसल भिवाड़ी थाने में अंजू के पति अरविंद ने FIR दर्ज करवाई है। साथ ही अंजू के पाकिस्तानी शौहर नसरुल्ला के खिलाफ भी अरविंद ने मामला दर्ज करवाया है। 30 नवंबर से अंजू कहां थी किसी को नहीं पता, लेकिन अब वह भिवाड़ी में है और पुलिस को उसने अपने बयान भी दर्ज करवाए हैं। उल्लेखनीय है कि अंजू ने पंजाब में खुफिया एजेंसियों को बताया था कि वो भारत सिर्फ अरविंद से तलाक लेने आई है। इसके अलावा वो बच्चों को भी मिस कर रही थी, इसलिए यहाँ उनसे भी मिलेगी। हालांकि न तो अंजू का पति, न पिता और न ही बच्चे उससे बात करना चाहते हैं। परिवार का कहना है कि अंजू से उनका अब कोई लेना देना नहीं है। अरविंद ने कहा कि अंजू जहां मर्जी जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं ग्वालियर में रह रहे अंजू के पिता ने भी यही कहा कि उनकी बेटी उनके लिए तभी मर गई थी जब वो पाकिस्तान गई थी। बच्चों का भी यही कहना है कि वो अंजू से नहीं मिलना चाहते। मामला मीडिया के जरिए पूरे भारत में फैल गया। इसके बाद कहानी में असल मोड़ तब आया। दरअसल पाकिस्तान में अंजू ने नसरुल्ला से निकाह कर लिया था। फिर इसके बाद अरविंद ने अंजू और नसरुल्ला के खिलाफ भिवाड़ी में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। इसके बावजूद अंजू ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसने नसरुल्ला से निकाह कर लिया है। हालांकि जब नसरुल्ला ने इस बात का खुलासा किया कि दोनों का निकाह हो चुका है, तब जाकर अंजू ने भी इस बात को मान लिया। ये मामला देश में कई दिनों तक सुर्खियों में बना रहा। अंजू तब से लगातार यही कह रही थी कि वो भारत आ रही है, लेकिन वो नहीं आई। 29 नवंबर को फिर अचानक से अंजू भारत आ गई। अब देखना यह होगा कि पुलिस अरविंद द्वारा दर्ज कराई FIR पर क्या कार्रवाई करती है।